दर्शकों नमस्कार, मैं शिव कुमार। मैं इस समय मौजूद हूँ मंदना के कुकरादेव गांव में, और यहाँ से यहाँ जाने के लोगों से कि क्या है यहाँ के लोगों का मतदान करने का, क्या चाहते हैं वो, कैसे है यहाँ पे, क्या चाहते हैं, क्या विकास होना चाहिए, क्या किस तरीके की जो परिस्थितियाँ रही अभी तक यहाँ के जो प्रत्याशी रहे भगवती सागर, कितना उन्होंने विकास कराया और क्या कमियाँ रही हैं, किसको लाना चाहते हैं, किसको सत्ता से उतारना चाहते हैं, किसको सत्ता पर बैठाना चाहते हैं। आज जैसा कि 11 जिलों में मतदान चल रहा है और 20 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। कुछ युवा मेरे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। क्या भैया जिम जा रहा है इस समय खूब? हाँ जा रहा है। क्या नाम है? मोहित कुमार। बढ़िया बॉडी वॉडी बढ़िया बना रहे एकदम। बढ़िया क्या है इस बार, क्या माहौल है, युवा हैं आप, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार, कौन उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उसको कौन संभालेगा? मेरे हिसाब से तो जो पिछली बार बहन जी की सरकार आई थी, हमें जिसको हम लोग बुआ जी के नाम से जानते हैं, इस बार हम फिर से चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार लाई जाए, क्योंकि उनकी सरकार में हमारे युवाओं के लिए काफ़ी वैकेंसी आई थी जो हमारे लिए लाभदायक साबित। यहाँ से प्रत्याशी कौन है? शिवम। पता है आपको? हाँ। शिवम मधु। आइए चल के बात करते हैं। मधु गौतम जी हैं। हाँ। यानी जो मधु गौतम जी हैं उनको आप वोट करेंगे? हाँ। पक्का पक्का क्लियर है आपकी बार की मधु गौतम को ही वोट करेंगे? हाँ। अच्छा क्या 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 चाहते कि अगर बहन जी सत्ता में आएंगी? हाँ। क्या बेहतर कर लेंगे वो, जो समाज है उनका, उनके लिए जो और जो पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनके लिए क्या आप क्या करते, संभावनाएं क्या हैं, कितना कर सकेंगी बहन जी? वो सबसे पहले तो महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षा हो जाती है उनकी सरकार में, और वो ये नहीं कि अनुसूचित जाति या कोई भी जाति हो, वो कभी धर्म जाति पे नहीं बोलती हैं, वो हमेशा पूरे भारत को लेके चलती हैं। यानी जितने भी दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, सब की बात करती हैं बहन जी। और भी युवा मेरे साथ में है। क्या नाम है भैया आपका? अंकित कुमार। क्या इस बार क्या होने वाला है? मधु गौतम आपको बता दें कि मधु गौतम इस बिल्लौर विधानसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की, और समाजवादी पार्टी से यहां पर रचना सिंह हैं, और यहां पर राहुल बच्चा सोनकर जो जिनके पिताजी की बहुत समय पहले हत्या कर दी गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप इधर युवा और भी मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या है इस बार माहौल? माहौल तो सही है बसपा का, और जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि बसपा की सरकार आती है तो शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और बीजेपी की सरकार में हमें तो नहीं लगता है कि हमारे गांव कुछ विकास हुआ है। अच्छा आपके यहाँ से जो वर्तमान विधायक थे जी, आपने उनको देखा है कभी सामने से? जी नहीं देखा है, कभी देखा ही नहीं है, कभी वो आए नहीं तो देखेंगे क्या? कौन से विधायक? भगवती प्रसाद सागर बीजेपी। अब इस समय कहाँ है वो पता है? वो इस समय शायद घाटमपुर से सपा से लड़ रहे हैं। जैसा कि इनको पता भी है कि वो घाटमपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा कि युवा जितने भी साथी थे उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि बहन जी बुआ जी एक बार फिर से सत्ता में आए और उन लोगों के लिए काम करें, महिलाओं के लिए काम करें, दबे कुचले लोगों के लिए काम करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।